ग्राम प्रधान संगठन के सदस्यों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। साथ ही प्रधानों का कहना था कि प्रदेश में लगभग 7000 ग्राम पंचायतों में गौशाला संचालित है और सरकारी अनुदान 30 रुपए प्रति पशु है, जो कि बहुत कम है। एक्चुअली हमारे सभी प्रधान भाइयों की कुछ मांगे हैं, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 दिसंबर 2021 को एक घोषणा की थी कि मनरेगा के वित्तीय अधिकार प्रधानों को प्रदान किए जाएंगे, तो जिस पे अमल करने की आवश्यकता है उस मांग को लेकर है। और कठोर मिट्टी की खुदाई को लेकर है कि दोनों मदों में, राज्य वित्त और पंद्रह वित्त में, हमें JCB चलाने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि विकास कार्यों में तेज़ी आ सके। तीसरा है कि टेंडर प्रक्रिया में थोड़ा सा लचीलापन लाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे विकास कार्य बाधित होते हैं। चौथा है कि MB बनने के बाद तुरंत अप्रूवल मिलना चाहिए और भुगतान किया जाना चाहिए ठेकेदार का। हम DM साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहे हैं कि हमारे जो पिछली पंचवर्षीय में जो बजट राशि ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत हुई थी, उसमें से 50% सरकार ने काट के क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायत को आवंटित कर दिए, जिससे ग्राम प्रधानों को अपनी जनता के विकास कार्यों में काफ़ी व्यवधान पड़ रहा है और काम करने में परेशानी आ रही है, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं हमसे ज़्यादा हैं और बजट राशि हमारे पास कम है।